हमारे पास जो है वो हमें कहा गया डिस्टेंस हमें मालूम करना है दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान और मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। और हमें ए भी गिवन है, ए हमें कितना गिवन है, पहले पार्ट में हमें ए गिवन है 3a एंड देन सेकंड में हमें गिवन है -2 एंड -4। तो अब हम ये इस यहाँ पर सबसे पहले तो हमें कहा गया है डिस्टेंस मालूम करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो सबसे पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे हम, जिसका फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्स वन है, ये हमारे पास वाई वन है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट में एक्स टू है, ये वाई टू है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट करके सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका डिस्टेंस आ गया। अब हम सेकंड वाले के लिए मालूम करेंगे मिड पॉइंट। सबसे पहले हमें इन सब का डिस्टेंस मालूम करना है, मिड पॉइंट भी, तो इसका हमने डिस्टेंस मालूम कर लिया, अब इसी का मिड पॉइंट मालूम करेंगे। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ किया, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, वैल्यूज पुट करके हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हम सेकंड वन के लिए निकालेंगे, ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हमने इसका मिड पॉइंट मालूम कर लिया। अब हम बी पार्ट के लिए करेंगे, तो ये हमने सेकंड वाले के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस मालूम कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले से मिड पॉइंट मालूम कर लिया। अब हम थर्ड वाले के लिए करेंगे, तो ये हमें सी पार्ट गिवन था, इसके लिए हमें दो पॉइंट दिए थे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ किया, उससे जो है हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। जब हम डिस्टेंस फार्मूला में इसको वैल्यूज को पुट करेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले से जो है वो x1 वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये फार्मूला लगा के हमने मिड पॉइंट का फार्मूला भी मालूम कर लिया। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट्स मुकम्मल कर लिए, ये हमारा फाइनल आंसर।